Agree. First of all, Happy New Year to all. Happy New Year, ma'am. And thank you so much, Akhil sir, itni achhi opportunity dene ke liye. And yeah. Close ho gaye to. इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए. सो बेसिकली मैं इस फिल्म में राधा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो मेरी रियल लाइफ से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है. एकदम दबंग टाइप की लड़की है, नॉल मुंह फट है बहुत, जो भी मन में आता है वो बोल देती है. सो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे प्ले करने में बहुत मजा आने वाला है. इससे पहले भी मैंने एक फिल्म किया है, बट अभी रिलीज नहीं हुआ है, वो पोस्ट पे है बेसिकली. सो यस, दिस इज माई फर्स्ट फिल्म. व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर डू यू वांट टू प्ले? कैसा कैरेक्टर बनना चाहती हैं? अभी तो आप ग्लैमरस लुक में हैं, आगे कैरेक्टर कैसा प्ले करना चाहती हैं आप? एक्चुअली मुझे ना चैलेंजिंग कैरेक्टर्स प्ले करने में बहुत मजा आता है, और ये भी एक बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है मेरे लिए. यूपी का टोन, यू नो, पूरा बिंदास टाइप की, मतलब बर्बली इतनी बोल्ड है ना लड़की की, कुछ भी बोलती जा रही है, कुछ भी बोलती जा रही है. तो सो बहुत मजा आने वाला है प्ले करने में. तो हाँ, मैंने 2016 से मॉडलिंग स्टार्ट किया. दिल्ली में मैंने मॉडलिंग किया, डॉलीवुड मिस्टर एंड मिस इंडिया किया मैंने, जिसमें मैं फर्स्ट रनर थी. उसके बाद में मैंने एक रीजनल फिल्म किया राजस्थानी, जो भी रिलीज नहीं हुआ है, सॉरी. उसके बाद में एक हिंदी फिल्म किया भाई विवान शाह, वो अभी पोस्ट पे है. ओके, अभय आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का किरदार होने वाला है, क्योंकि हमने आपको फनी किरदार में देखा है. जी जी. इस फिल्म में क्या किरदार होने वाला है आपको? इसमें मिक्स है, फनी भी है और गैंगस्टर के साथ हूँ तो जरूर मार धाड़ भी करूँगा, एक्शन भी देखेंगे आप लोग. और काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और एक कैरेक्टर मेरे लुक पे भी जाता है. कैरेक्टर का नाम ये कलुआ. तो फिर कलुआ कैरेक्टर का नाम है, और मैं उसको मतलब फनी भी है, और जहाँ पे हथियार उठाना होता है वो हथियार भी उठाता है. काफ़ी मज़ेदार कैरेक्टर है, तो हर मोमेंट पे अलग अलग उसके आपको किरदार देखने को मिलेंगे. मज़ेदार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अखिल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे अभय और मैम के बारे में? राधा को, राधा बेसिकली मथुरा से है, और मुझे इस कैरेक्टर के लिए जो जो कैरेक्टर करने वाले हैं वो ब्रज भाषा के टोन में, ब्रज टोन में है. तो ब्रश टोन के लिए मुझे जितनी भी एक्ट्रेस से बात हो रही थी, तो वहाँ टोन उस यूपी टोन का बड़ा मतलब इतना नहीं दिख रहा था मुझे कि ये लोग कर पाएंगे. तो मेरी मुलाकात हुई समीर चार के द्वारा, तो जब मुलाकात हुई तो मेरे पूछा तुम हो कहाँ से, तो बोले मथुरा से हूँ मैं, मथुरा से हूँ. तो जब जिस भाषा में बात करा मैंने, जिस टोन था वो टोन, मैंने उसको बोला कि इस टोन में करो जरा बात करो मुझसे, तो स्टोन में बात करा तो वो क्लिक किया कि राधा करेगी, यही निकाल पाएगी राधा को. मतलब इनका बात बात में काम बन गया. तो राधा कुछ बोल के बताएंगे ब्रज भाषा में कैसे आपने? हाँ, कुछ भी हम कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं. आप कुछ स्टार्ट कीजिए, पहले फ्लर्ट करिए एक दूसरे से, आसान होगा. मैं एक्टर नहीं हूँ यार, आप लोग. नहीं नहीं, देखिए अभी तो मुझे टोन, अभी मुझे पढ़ना पड़ेगा टोन, क्योंकि मैं अवध से हूँ, तो अवधि है मेरा, अवधि होता तभी तक मैं कर चुका होता फ्लड. नहीं, बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे बोलते हैं जैसे कि लाइक कहाँ जा रहा है तू एंड ऑल, तो हमारा जो तू कहाँ जा रहा है, कहाँ करेगा तू, तू कहाँ करेगा, कहाँ जा रहा है तू, टोन है. मिक्सअप है इसमें हिंदी एंड ब्रज भाषा. ब्रज भाषा के जो कैरेक्टर हैं, जो देहाती परपेज से इसमें दिखा रहे हैं जिन लोगों को, हम वो ब्रज भाषा का टोन में उस भाषा को यूज करेंगे. और जो शहरीकरण में पॉलिटिशियन है, अधिकारी वगैरह हैं, वो सब लोग वो हिंदी भाषा को यूज कर रहे हैं. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था राधा कैरेक्टर के लिए, कि वहाँ से अगर बेसिकली कोई अगर एक्ट्रेस मिलती है जिसको सिर्फ आपको जो एक्ट कराना है वही कराने तक सीमित हो, तो परफेक्ट थी. सबसे पहले तो मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जितने लोग भी वहां पर पीछे भी उपस्थित हैं उन सबको भी नए साल की शुभकामनाएं. साथ ही अखिल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इन्होंने हर कैरेक्टर को जिया है, जैसा कि अभी अभी बताया. मुझे भी चार बार इन्होंने स्टोरी सुनाई, और उसको सुनाने के बाद और जो इनका चूज़ किया, जिस भी कैरेक्टर को इन्होंने चूज़ किया है बहुत रिसर्च करने के बाद किया है, तो इसका इन्होंने मोर स्टडी किया है और एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुँचे हैं, कि जिसमें हम इस किरदार, इस फिल्म के हिस्सेदार बने हैं.
और हमारे जुबेर भाई जो हैं तो आप देखते रहे स्वस्थ शरीर वाले है ही हैं, तो यहाँ भी यहाँ तो इनके शरीर की प्रशंसा होगी और फिल्म में जब अभिनय करेंगे तो वहाँ भी प्रशंसनीय काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी हम कैरेक्टर के बारे में आपको ये बता सकते हैं कि हमने सुना है सब बात है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ एक कच्ची मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी है, और हमारा डायरेक्टर हमको जिस तरीके से कंसीव करके उन्होंने प्रेजेंट करना है हम उसी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, वो जिस तरीके से हमको चाहते हैं उसी तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। अभी हम पहले से धारणा बनाकर उस कैरेक्टर को जीने लगेंगे तो हम जब फ्लोर पे पहुंचेंगे तो हम अपनी ही धारणा के माध्यम से उसको बनाएंगे। इस वक्त हम सिर्फ एक मिट्टी का लोंडा है, उस लोंडे को क्या स्वरूप देते हैं, ये भगवान का रूप बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, ये उनके हाथ में है, हमने अपने आप को उनके उनके हाथों में दे दिया है, अब वो जैसा चाहें वैसा बनाए। जुबैर, आपको आपको जब अप्रोच किया गया क्या रिएक्शन था आपका और क्या ब्रीफ मिला था सर की तरफ? देखिए सर, जब मैं सबसे पहले तो अखिल सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि सर ने मुझे कन्विंस किया इस कैरेक्टर के लिए, बिकॉज क्योंकि मेरी न्याय द जस्टिस फिनिश हो गई है फिल्म और उसके बाद मैं एक राजीव वालिया सर की धड़के दिल बार बार भी है, तो दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म विच इज़ टचिंग द पॉलिटिकल बैकग्राउंड और ये मेरे करियर की पहली राजनीतिक काइंड ऑफ फिल्म होगी और बहुत ज़्यादा मैं कन्विंस पहले समझ में नहीं आई थी मुझे स्टोरी, उसके बाद फिर जब सर ने मुझे तसल्ली में बहुत डिटेल में स्टोरी समझाई और मेरा कैरेक्टर समझाया, रघु हाईटेक करके कैरेक्टर है और मैं एक्चुअली एम डायरेक्टर से एक्टर, तो मैं पूरा का पूरा सरेंडर कर देता हूँ डायरेक्टर को एंड आई ट्रस्ट हिम सो मच और मुझे लगता है कि सर ने इतने अच्छी तरीके से मोल्ड किया है उस कैरेक्टर को, क्योंकि एज माई करियर सो फार फ्रॉम टीवी टू फिल्म्स आई हैव ऑलवेज ट्राई टू डू, लाइक मैंने रोमांटिक की है, अभी बायोपिक कर ली है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वेरिएशन में आ रहा हूँ, तो पहली मेरे करियर की एक एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली फिल्म है जिसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि सर के ऊपर सब कुछ है और सर ने जिस तरीके से मुझे कैरेक्टर नरेट किया तो बहुत एक्साइटेड रह गया मैं और मुझे लगता है कि यू नो जब जब एज एन एक्टर आप वर्सेटैलिटी दिखा पाते हैं तो बहुत डिफरेंट फील होता है। अभी करंटली आई एम शूटिंग वन फिल्म इन कोलकाता, अगर तुम मिल जाओ करके, दैट इज़ वेरी सीरियस काइंड ऑफ रोल, सो उससे कंट्रास्ट में ये रोल होगा मेरी नेक्स्ट फिल्म का, तो आई गेस सब कुछ सर के ऊपर है और अब मैं कन्विंस हो गया हूँ और आई एम वेरी हैप्पी और पहले थोड़ा झिझक रहा था बट सर ने इतने अच्छे से कन्विंस किया मुझे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये कैरेक्टर आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। या रघु हाईटेक कैरेक्टर जो है ना, मैं दावा बोल रहा हूँ कि मतलब रघु हाईटेक के नाम से ही पहचाने जाएंगे ये इस पिक्चर का।